है ना। लेकिन अगर आपने पूरा खाना खाया 100%, मिक्सी पूरा भर लिया, तो मिक्सी नहीं चलेगा, ब्लेंडर नहीं चलेगा, उसी 5 से 7 दिन तक वो अंदर पेट में बैठ कर सड़ता रहता है। इट रिलीजेस ब्लोटिंग, गैस, फ्लैटुलेंस, इट्स पुट्रीफाइंग। कि आर्टिफिशियल स्वीटनेस से शरीर में गट माइक्रोब्स चेंज हो जाते हैं, जो आपके पेट में अच्छी बैक्टीरिया है उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, उसकी वजह। डॉक्टर डिम्पल, जब हम खाने पीने की बात कर रहे हैं, डाइजेशन की बात कर रहे हैं ना, तो एक वर्ड बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, हर कोई बात कर रहा है माइंडफुल ईटिंग की, हर कोई इसके बारे में जानना चाह रहा है, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें भी बोल रहे हैं, बट आप अगर बहुत ईजी लैंग्वेज में हमें समझा पाएँ कि माइंडफुल ईटिंग क्या है और कौन सी चीज़ें हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। माइंडफुल ईटिंग क्या है, जो आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है, इट्स थैंक्स टू द जैपनीज कल्चर, यू नो, वहाँ पे लॉन्जिविटी सबसे ज़्यादा होता है, 100 ईयर्स ओल्ड के उम्र के लोग ज़्यादा रहते हैं, जापान में, स्पेन में, इटली में, इंडिया में भी कुछ जगह है ऐसे। यहाँ पे लॉन्जिविटी जोन में कहा गया है माइंडफुल ईटिंग, ईट 80% ऑफ योर एपेटाइट, ईट ओनली व्हेन यू आर हंग्री, तभी खाना खाओ जब आपको भूख है। ऐसे नहीं कि लंच पीरियड आ गया, लंच ब्रेक आ गया इसलिए लंच कर लिया, ऐसे नहीं, भूख नहीं है तो खाने का सेवन ना करें। और 80% ऑफ योर एपेटाइट यानी 20% आपने जगह खुला छोड़ा है डाइजेस्टिव जूसेस के लिए और एयर के लिए, ताकि वो खाना गोल गोल घूमे और पचान की शक्ति बढ़े और उससे एनर्जी आए, है ना। लेकिन अगर आपने पूरा खाना खाया 100%, मिक्सी पूरा भर लिया, तो मिक्सी नहीं चलेगा, ब्लेंडर नहीं चलेगा, उसी तरह आपका पेट भी पत्थर की तरह हार्ड हो जाएगा, वो खाने को पचा नहीं पाएगा। खाना खाने के बाद उठ के आप 100 स्टेप्स चले, वॉक एटलीस्ट 100 स्टेप्स, इससे क्या है, ब्लेंडर जैसे चलता है वैसे ही आपका पेट लेग मूवमेंट की वजह से चलने लगता है। The digestion process starts, the churning of the food starts, okay? और खाना खाते वक्त आप इन चीज़ों का ध्यान रखें कि आप मोबाइल फ़ोन यूज़ ना करें, टीवी ना देखें, लैपटॉप पे ना देखें, क्योंकि अगर आप खाने पे फोकस करेंगे तो आपका ब्रेन भी डाइजेशन पे फोकस कर सकता है। एंड यूज़ योर हैंड्स, डोंट गल्प वाटर वाइल ईटिंग, जल्दी जल्दी पानी ना पिए, जल्दी जल्दी खाना ना खाए, 32 बार खाने को चबा कर फिर उसको स्वॉलो करें। बीच में अगर पानी पीना है तो 2 से 3 सिप्स आप ले सकते हो, आधा ग्लास, लेकिन पानी का सेवन आधा घंटे पहले भोजन के पहले या भोजन के आधा घंटे बाद का सेवन करें, ताकि उससे क्या आपके पेट के डाइजेस्टिव जूसेस डाइल्यूट ना हो। इसको कहते हैं माइंडफुल ईटिंग, ध्यान दे कि आप क्या खा रहे हो, और इंग्रेडिएंट्स पे ध्यान दीजिए कि ये इंग्रेडिएंट्स आपके लिए सही है या नहीं, इज दिस कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू योर हेल्थ और इज दिस कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू योर डिजीज। अनमाइंडफुल ईटिंग इज, यू नो, ईटिंग अ बिग बर्गर और अ पिज्जा, यू नो, अनमाइंडफुली ईटिंग लॉट्स ऑफ ब्रेड एंड जंक फूड। माइंडफुल ईटिंग एक सात्विक तरीका है, आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। माइंडफुल ईटिंग की बात की डॉक्टर आपने, तो या आपने यहाँ पर बर्गर और पिज्जा का जिक्र किया, सो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार हफ्ते में एक आध बार हो गया तो क्या बड़ी बात है, ठीक है ना, इतना तो पच ही जाएगा। सो आपको क्या लगता है, इसका पोर्शन अगर कोई करना चाहे, इसका सेवन, जंक फूड खाना चाहे, बहुत क्रेविंग है, तो किस पोर्शन में इसको लेना चाहिए और कितने दिन का गैप होना चाहिए? पहले ये समझ लेना चाहिए कि जंक फूड खाने के बाद पेट में क्या होता है। अगर आपके पास एक कैमरा होता जो अंदर जा सकता है तो आपको पता चलेगा, जंक फूड जो है अक्सर रिफाइंड फ्लावर से बनता है, मैदा, ओके, रिफाइंड फ्लावर, रिफाइंड सॉल्ट, रिफाइंड शुगर, आर्टिफिशियल स्वीटनेस। हार्वर्ड में भी ये कहा गया है, स्टैनफोर्ड में भी ये कहा गया है कि आर्टिफिशियल स्वीटनेस से शरीर में गट माइक्रोब्स चेंज हो जाते हैं, जो आपके पेट में अच्छी बैक्टीरिया है उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, उसकी वजह से मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने लगता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होने लगते हैं। दूसरी बात है एमल्सिफायर्स, एमल्सिफायर्स यानी आपके आइसक्रीम्स में, आपके डिजर्ट्स में आते हैं, वो एक क्रीमी टेक्सचर देता है, उसकी वजह से शरीर में सूजन यानी इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। और तीसरी बात है आपका मैदा, रिफाइंड फ्लावर, मैदा अगर आप पानी से मिक्स करके थोड़ा सा गर्म कर देंगे तो वो एक स्टिकी ग्लू सब्सटेंस की तरह बन जाता है, वो एकदम इंटेस्टाइंस के साथ जाके चिपक जाता है और 5 से 7 दिन लगता है उसको निकलने में, 5 से 7 दिन तक वो अंदर पेट में बैठकर सड़ता रहता है। इट रिलीजेस ब्लोटिंग, गैस, फ्लैटुलेंस, इट्स पुट्रीफाइंग, वहाँ पे गंदी बैक्टीरिया इकट्ठा हो रही है, और जब आप फ्रेश फूड खा रहे हो अगले 7 दिन, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, वो भी उसके साथ जाके चिपक के वो गंदी बैक्टीरिया पैदा करती है। जब भी आप जंक फूड खाते हो तो रिमेम्बर, आपका जो हेल्थी ईटिंग आपने पिछले 6 दिन तक किया था वो पूरा रिवर्स हो चुका है। वन बैड मील कैन रिवर्स द गुड इफेक्ट्स ऑफ 6 गुड मील्स, 6 डेज ऑफ गुड ईटिंग किया। तो अगर आप जंक खा रहे हो तो ये बार बार अगर आप अपने आप को याद दिलाएंगे तो आपको खुद को मन नहीं करेगा जंक खाने का। कभी कभार खा लिया तो ठीक है, बट जंक की क्रेविंग इसीलिए आ रही है क्योंकि आपके पेट में बैड बैक्टीरिया ज्यादा एक्टिव है,
तो आप बैड बैक्टीरिया को शांत करने के लिए पहले डीवर्मिंग मेडिसिन लीजिए, जैसे पम्पकिन सीड्स है, पपाया के सीड्स है, क्यूकम्बर के सीड्स है, करेला की सब्जी है। इससे क्या डीवर्मिंग होता है, बैड बैक्टीरिया निकलने लगते हैं, तो आपको जंक फूड की क्रेविंग भी कम हो जाएगी। डॉक्टर, आपने जब अभी हम माइंडफुल ईटिंग की बात कर रहे थे तो आपने बोला था कि 32 टाइम्स हमें च्यू करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, अगर आप उनके साथ खाना खा रहे हैं, आप थोड़ा स्लो खाते हैं, आराम से चबा के खाते हैं, तो सामने वाले इंसान को बहुत इरिटेशन होती है। वो बोलते हैं कि यार जल्दी जल्दी क्यों नहीं खा रहे हो, इतना स्लो हो तुम। तो प्लीज़ एक बार उनको समझा दीजिए कि इसका बेनिफिट क्या है, धीरे धीरे खाने का क्या फ़ायदा है। हाँ, पहले तो अच्छी संगति रखिए, ऐसे लोगों के साथ ना बैठिए जो आपको ऐसे हरी भरी में खाना खाने को कहते हैं, बिकॉज उनकी संगति में रहकर आपका स्वास्थ्य ना बिगड़े। ओके, एंड संगति का बहुत असर पड़ता है। अगर आपका प्योर प्रेशर है तो अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब की आदत भी लग सकती है। पहले संगति को सही रखिए, इन लोगों के साथ उठ बैठ करिए जो आपको अच्छी शिक्षा दे, जो आपको कहे कि यार पहले हेल्थ पे ध्यान दीजिए। आपके बॉसेस भी ऐसे होने चाहिए जो आपको कहे कि पहले खाना खा लीजिए शांति से, फिर हम काम पे लगेंगे और पूरे प्रोडक्टिविटी फोकस के साथ काम करेंगे। मेरे क्लिनिक में एक रूल है कि अगर आप खाना खा रहे हो, कोई भी आपको बुलाए तो आप जगह से नहीं उठोगे, वहीं से आप बोलोगे कि मैं खाना खा रही हूँ। खाना खाते वक्त किसी और चीज़ पे ध्यान ना दे। खाना जब आप चबाते हो तो मुंह में डाइजेस्टिव एंजाइम्स यानी सलाइवा पैदा होती है। ओके, जब आप 32 बार चबाते हो तो उतना सलाइवा बनता है आपके मुंह में। डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ, आपकी पाचन की शक्ति मुंह से शुरू होता है। मुंह में काफी सारे गट माइक्रोब्स होते हैं, फिर जब वो पेट में जाता है तब जाके आपका खाना पचता है। लेकिन अगर आप ऐसे ही स्वॉलो करते रहेंगे, वो पत्थर जैसा खाना पेट में जाके फंस जाता है, उसमें कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं है, कोई सलाइवा नहीं है, फिर आपको जो है आपका पेट जो है उसको डबल मेहनत करनी पड़ रही है, डबल डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस करने पड़े, डबल स्टमक एसिड्स प्रोड्यूस करना पड़ रहा है उसको पचाने में। इसकी वजह से एसिडिटी, ब्लोटिंग, बर्निंग सेंसेशन, इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज जैसी बीमारियां हो सकती है। तो आप माइंडफुल ईटिंग करिए ताकि कल को आपको कोई भारी रकम ना चुकाना पड़े हेल्थ को लेकर।